हेलो गाइस, चलिए आपको हाल ही में खरीदे गए हमारे चीन के कुछ बढ़िया गैजेट दिखाते हैं। इस तरह के बैग में बहुत ही अजीब और समझ से बाहर का एक गैजेट हमारे पास आया। ये रोबोट के लिए छोटी गोलियों की तरह है, लेकिन ये असल जादू कर सकती है। इसके लिए हमें नीले डक्ट टेप की जरूरत होगी। अगर आप गोलियों को इसके पास लाते हैं तो ये चमकने लगती है, और अगर दूर करते हैं तो ये बंद हो जाती है। आपको लग रहा होगा कि ये किसी तरह का जादू टोना है। ये किसी पावर से नहीं जुड़े और ना ही अंदर कोई बैटरी है, लेकिन इसे पावर डक्ट टेप से नहीं मिलती है, बल्कि इसके नीचे जो है उससे मिलती है। गोलियां इस डिवाइस के साथ आती हैं, जिसमें एक छोटी सी चिप और तांबे के तारों वाली एक छोटी कॉइल है। इसके दूसरे छोर पर पावर कनेक्शन के लिए दो तार लगे हैं। हम इसे 5 वोल्ट की स्मार्टफोन चार्जर से पावर देंगे, या इतने ही वोल्टेज वाले किसी और जरिए से भी इसे पावर दी जा सकती है। इसके लाल प्लस तार को कनेक्टर के अंदर डालना है और माइनस तार को बाहर की तरफ लगाकर इसे डक्ट टेप से लपेट देना है। अब अगर हम अपनी कॉइल को इन गोलियों के पास लाएंगे तो ये अलग अलग रंग में चमकने लगेंगी, और इनके चमकने के लिए एनर्जी हवा के जरिए आती है। बात यह है कि हर गोली में एक जैसा बहुत छोटा कॉइल लगा है, जो बड़े कॉइल से एनर्जी लेता है और इसे एलईडी तक पहुंचाता है। स्मार्टफोन के लिए वायरलेस चार्जर इसी तरह काम करता है, और हमारी गोलियां भी इसी से चमकती हैं। ये बहुत मजेदार है, जो सिर्फ आपकी बिल्ली को ही नहीं बल्कि आपके दोस्तों को भी हैरान कर सकती है। हमने इसे कई बार लोगों को दिखाया और किसी को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन हमने अली एक्सप्रेस से एक SSD ड्राइव मंगवाई है, जो अगर आपके कंप्यूटर में पहले हार्ड ड्राइव का इस्तेमाल होता है तो उसकी स्पीड को काफी तेज कर देगी। हमने 60 GB वाला वर्जन मंगवाया है, और हम इसे अपने कंप्यूटर पर टेस्ट करने का इंतजार नहीं कर पा रहे। हम नहीं चाहते कि ये जल जाए, क्योंकि क्या पता चाइनीज ने डिब्बे में क्या रखा हो। इसीलिए नई ड्राइव को लगाने के लिए हमें पुरानी को हटाना होगा, जिस पर हम अपनी वीडियो फुटेज रखते हैं। बस उम्मीद है कि सब कुछ ठीक से हो जाए और हमारा कंप्यूटर फटे नहीं। सब कुछ तैयार है, हमने फाइलों को ट्रांसफर करने की कोशिश की, और हाँ, सब कुछ काम कर रहा है और कॉपी करने की स्पीड अच्छी है, खासकर इस कीमत में। सिर्फ मजे के लिए हमने ड्राइव को खोलकर अलग किया, ताकि ये देख सकें कि अंदर क्या है। और ये एक छोटी फ्लैश ड्राइव नहीं थी, बल्कि इस तरह का एक सर्किट बोर्ड था। शायद आप में से कुछ के लिए ये जानकारी दे, शराब पीना नुकसानदेह है, इसीलिए कुछ देशों में पब्लिक प्लेसेस पर इसे पीना मना है। लेकिन चाइनीज लोगों ने ये रास्ता निकाल लिया है कि इस सॉफ्टवेयर की बोतल के कवर के बदौलत इस बंदिश से कैसे बचा जा सकता है, जिसे आपको बस कैन के ऊपर लगाना है। और ये हो गया एकदम जादू की तरह। बियर एक आम कोका कोला में बदल गई। कवर इतनी अच्छी तरह से फिट बैठ गया कि इसमें और आम कैन में फर्क कर पाना मुश्किल है। बल ही आप बारीकी से देखें, ये बियर के लिए रबर बैंड की तरह है, और जब आप इसे लगाएंगे तो हर कोई सोचेगा कि आप कोक पी रहे हैं। इसे ज्यादा आसानी से निकालने के लिए आप बस कैन को अपने हाथों से मरोड़िए और कवर निकाल लीजिए। अक्सर हमारी वीडियो में हम गर्म करने और खाना पकाने के लिए ऐसे सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं। ये कुछ वक्त तक चलता है, लेकिन ये बहुत महंगा है। और ये रहा एक बहुत ही सस्ता गैस सिलेंडर, जिसमें ठीक वैसी ही गैस है और 4 गुना सस्ती है। चाइनीज ने ये छोटा एडाप्टर बनाया है, जिसके जरिए हम इन दोनों सिलेंडर को एक दूसरे से जोड़ सकते हैं, और सस्ते सिलेंडर से महंगे सिलेंडर में आसानी से गैस भर सकते हैं। इस तरह हम 1 मिनट में गैस पंप कर सकते हैं, और हर बार एक नया सिलेंडर खरीदने पर खर्च होने वाला काफी पैसा बचा सकते हैं। जब हमने इस रोबोट को देखा तो हमें यकीन ही नहीं हुआ कि $1.50 में ना ये सिर्फ अच्छा दिख सकता है, बल्कि अपने हाथों और पैरों को हिलाते हुए डांस भी कर सकता है। इसमें पीछे की तरफ एक तरह की चाबी लगी हुई है। चलिए देखते हैं कि क्या हम इसे चला पाएंगे। और रोबोट ने वाकई में डांस करना शुरू कर दिया, जो काफी नई तरह की हरकतें दिखा रहा है। और अगर आप ऐसे कुछ रोबोट ले लेंगे तो आपको एक बढ़िया डांसिंग ग्रुप मिल जाएगा। एक तोहफे के तौर पर हमने एक मशहूर ब्रांड का एक छोटा मल्टी टूल मंगवाया, जिसके अंदर कुछ टूल्स हैं जो कुछ हालातों में हमारी मदद कर सकते हैं। सबसे पहले ये एक दिलचस्प शेप का चाकू है, जिससे आप कुछ काट सकते हैं, तार का ऊपरी हिस्सा छील सकते हैं, या पेंसिल की धार तेज कर सकते हैं। हर चीज ओपन पोजीशन में लॉक है, और तब तक बंद नहीं होगी जब तक आपकी खास लॉक न दबा दें।
अगला हमारे पास ये छोटी लेकिन ताकतवर पतली प्लेट वाली कैंची है। ये मोटे कार्डबोर्ड और ब्लिस्टर पैक से आसानी से निपट सकती है, लेकिन आप इससे अपने नाखून भी काट सकते हैं। इसके बाद ये एक पंथ दो काज वाली चीज आती है। ये फिलिप्स का एक पेचकस है जो किसी चीज को खोलने में आपकी मदद कर सकता है, साथ ही साथ एक रेती के जैसे भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बाद एक कैन ओपनर की बारी है, जिसका इस्तेमाल आप थोड़ी कोशिश करके कैन खोलने के लिए कर सकते हैं। इसकी नोक पर एक चिपटा पेचकस भी है। और अब ये आखिरी टूल है जिसका इस्तेमाल हमें नहीं पता, और इसीलिए हम इसके बारे में आपसे पूछना चाहते हैं। एक मिनट रुकिए, हालांकि हमारे पास यहाँ एक और बोनस छिपा है। ये एक छोटी सी सुई है, अगर आपको जरूरत हो तो आप अपने नाखूनों को इससे साफ कर सकते हैं। लेकिन लगता है कि इसका अलग मकसद आपके स्मार्टफोन की सिम स्लॉट को खोलना है, जिसकी सफर के दौरान जब हमें सिम कार्ड बदलने की जरूरत पड़ती है तब अक्सर कमी महसूस होती है। ये मल्टी टूल आपके दोस्त के लिए एक सस्ता लेकिन अच्छा और काम का तोहफा हो सकता है। अक्सर हमारी वीडियो में जहां हम लकड़ी का काम करते हैं, हमें लकड़ी की एक बहुत बड़ी परत को छीलने की जरूरत पड़ती है, जिसमें काफी वक्त और मेहनत लगती है। लेकिन चाइनीज लोगों ने एक बढ़िया चीज खोजकर हमें भेजी है। ये एक मेटल की डिस्क है जो सैकड़ों नुकीले दांतों से ढकी हुई है, और सबसे जरूरी बात यह है कि ये एक आम एंगल ग्राइंडर से जुड़ सकती है जो लगभग हर शौकीन शिल्पर के पास होता है। लेकिन मंगवाते वक्त हमसे चौड़ाई मापने में एक गलती हो गई, और इसीलिए इस बड़े वॉशर के साथ डिस्क को ग्राइंडर से जोड़ने के लिए हमें दोबारा मेहनत करनी पड़ी और एक बड़े नट से इसे कसना पड़ा। तो चलिए इसे टेस्ट करते हैं। और इसके बावजूद कि बीच के पेड़ की लकड़ी सख्त होती है, हमने बीच के पेड़ का एक कुंदा लिया। डिस्क ने बहुत आसानी से काम किया, और ये सब ग्राइंडर के सबसे कम RPM पर हुआ। इस तरह के टूल के साथ काम करना सीखने के बाद कोई भी मास्टर लकड़ी के टुकड़े को एक वर्कपीस में बदल सकता है। बस ध्यान रहे कि इसके दांत बहुत ज्यादा तेज हैं, और अगर ये आपकी खाल को पकड़ ले तो ये काफी बुरा और दर्दनाक होगा। सर्दियां आ गई हैं, और बर्फ के आने के साथ ही हर कोई पहला स्नोमैन बनाने और स्नोबॉल फेंकने के लिए सड़क पर दौड़ पड़ता है। हालांकि हर कोई एक अच्छा गोल स्नोबॉल नहीं बना पाता, और इस काम को आसान बनाने के लिए इस तरह की स्नोबॉल मेकर्स हैं, जिससे आप 2 सेकंड में एक बड़ा और चिकना स्नोबॉल बना सकते हैं। लेकिन चाइनीज और भी आगे बढ़ गए और इस तरह का डबल स्नोबॉल मेकर बना डाला, जो आपके लिए एक बार में 2 बॉल्स बना देता है। अगर आप एक साथ काम करते हैं तो आप कुछ ही मिनटों में अपने लिए 100 बॉल्स बना सकते हैं और अपने हाथे में असली स्नोबॉल कर सकते हैं।